देखो, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने काफी अकेले ट्रैवल किया है, ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज में. तो इंडियन लेडीज नॉर्मली अकेले, वो भी इंटरनेशनल ट्रैवल, इतना नहीं होता हमारे समाज में, या डर भी लगता है जनरली ऑल्सो. लेकिन आई विल टेल यू क्यों मेरे में कॉन्फिडेंस था. अकेले अकेले हांगकांग भी जाओ, अकेले अकेले अलास्का भी पहुंच जाओ. क्यों? क्योंकि मेरे पास जय गुरुदेव का एक तीर है, जो वो चलाते हैं ना, तो वो कभी फेल नहीं जाता. वो ब्रह्मास्त्र है, मतलब अपना काम करके ही छोड़ता है. सो मेनी एक्सपीरियंसेस आई हैव कि कभी कहीं पे खो गए, मतलब आई वॉज लॉस्ट, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था. आई वॉज इन प्राग, चेक रिपब्लिक में, और रात के 11 बज गए थे, और अभी मुझे होटल का रास्ता ही नहीं मिल रहा था. मैं गुम हो गई थी, और उस वहां पे तो लोग भी कम होते, पॉपुलेशन कम है वहां का, तो काफी कम लोग रास्ते में भी थे. रात को ठंडी लग रही थी. आई वॉज लाइक वेविंग माई हैंड किसी गाड़ी को रुकाने के लिए कि प्लीज कोई मुझे लिफ्ट दे दे, लेकिन लोग कोई मेरे लिए गाड़ी नहीं रोक रहे थे, क्योंकि उनको भी डर लगता है ना कि ये कौन अकेले रास्ते में खड़ा है और गाड़ी रुकाने के लिए बोल रहा है. तो नोबडी स्टॉप्स द कार लाइक दैट. तो आई वॉज लॉस्ट, एंड इट वॉज 11 o'clock इन द नाइट, डार्क कोल्ड, रास्ते में कोई नहीं था. एंड नाउ वॉट टू डू? एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैंने बार बार बस मन में जय गुरुदेव गुरु जी बचा लो मेरी, कुछ मिस्टेक की वजह से मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, लेकिन वॉट टू डू नाउ. एंड सडनली एक गाड़ी आई, उसमें चार यंग बॉयज थे कॉलेज के, और उन्होंने गाड़ी रोकी एक्चुअली. और मैंने कहा कि ये देखो, ये मेरा होटल का नाम और एड्रेस है, प्लीज आप मुझे वहां पे छोड़ सकते हैं. तो उन्होंने कहा ओके, छोड़ देंगे. तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई, 5 सीटर की गाड़ी होते ना, तो वो चार थे, आई वॉज द फिफ्थ वन, में बैठ गई गाड़ी में. तो वो बॉयज मुझे पूछ रहे कि मैडम आपको हमसे डर नहीं लग रहा है, 4 बॉयज इन द कार, आप अकेले आ गए. मैंने बोला देखो, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर आप मुझे लिफ्ट नहीं देते तो मुझे तो आज रात रास्ते पे सोना पड़ता, लेकिन मुझे ये पूछना है कि आपको मुझसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कब से मैं हाथ दिखा रही हूँ लोगों को, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि वो मुझसे डर रहे थे, तो आपको तो डर नहीं है ना मुझसे. तो दे सेड नो नो वी आर फाइन. और फिर वही वो कॉलेज के लड़के पार्टी में, एक्चुअली अभी तो वो जा रहे थे, वो इतने यंग थे कि 11 बजे तो उनकी पार्टी शुरू होने वाली थी, जा रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे. तो दे लेफ्ट मी एट माई होटल एंड देन वेंट ऑन टू द पार्टी, दे डिडंट नो मी एट ऑल. बट द पॉइंट इज कि मुझे पता था कि वो गुरुदेव को याद करने से ही, एक हमारा गुरुदेव का एक सॉन्ग भी है, वेर एवर यू मे वॉन्डर जस्ट नो दैट आई एम देयर.